ये सामने फ्रंट मंदिर का गाइस, यहाँ पर रोड बहुत जाम हो चुका है गाइस, ये चेक करो। ये अभी देखते हैं अंग्रेज जमाने का पुल। तो गाइस चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं वापस अपने रुद्रेश्वर महादेव के लिए। तो यहाँ पर सभी मैगी रेडी हो रहा है, बना लिया रे? बना रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो यार आज है 26 जनवरी, सो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग कॉलेज नहीं गए थे, इस कारण से घूमने के लिए जा रहे हैं। सो आज हम लोग चलेंगे यार जो बैराज है रुद्री में उधर, और यहाँ पर धमतरी में बिलाई माता मंदिर है तो उधर ही चलने वाले हैं। सो बने रहना व्लॉग में कंटिन्यू, व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं, मैं अभी अपने घर से रेंट पर आया था तो चलिए यहाँ से अभी निकलते हैं। सो दोस्तों अभी चार लोग यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, ओनली फोर बॉयज। Just take a breath and take it deep to show the world that you can see. तो दोस्तों अभी हम लोग निकल पड़े हैं विंध्यवासिनी मंदिर की ओर, तो चलिए अभी फर्स्ट ड्रिंक करते हैं, फिर यहाँ से अपन बैराज की ओर निकलेंगे। तो सबसे पहले विंध्यवासिनी मंदिर चलते हैं। Just take a breath and take it deep to show the world that you... मैं तो पूरा सारा चीज इधर का एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? बिल्कुल, मेरा काम ही तो है एक्सप्लोर करना, घूम घूम कर। तो डैम का भी हो गया है और रुद्रेश्वर महादेव का भी हो गया है, और अभी बैराज का हो जाएगा, और यहाँ से विंध्यवासिनी माता मंदिर का भी हो जाएगा। और आप लोग जितने भी आसपास के देख रहे हो वो कमेंट करके बताना कि यदि आपके तरफ का कोई छूट रहा है तो बता देना, कभी वहाँ भी जाकर बनाएंगे। बहुत भीड़ है रोड इधर से, सामने रैली भी शायद है, रैली वगैरह कुछ। सो इधर कुछ आज रिपब्लिक डे है ना, तो परेड वगैरह चल रहा है इधर से। तो आज रिपब्लिक डे है ना, तो इधर अपने स्टेडियम पर हो रहा है परेड वगैरह, इसी कारण रोड पूरा भीड़ है। सो अपन विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच गए हैं, ये जस्ट फ्रंट में है अपन, यहाँ पर भी ट्रैफिक। चलिए फाइनली पार्किंग वगैरह हो गया है तो चलते हैं अभी मंदिर की ओर। ये सामने फ्रंट मंदिर का, चले गाइस। ये है माँ विंध्यवासिनी माता जी का मंदिर और ये उसकी मूर्ति। तो गाइस ये है बावली स्थल, पता नहीं अब हम उसको क्या है। भगवान की जय। सो दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ पूछना था कि जो महाशिवरात्रि आने वाली है अभी बीच में ना, तो अपना रुद्रेश्वर महादेव का ब्लॉग करना है कि नहीं, कमेंट में जरूर बता देना। अगर बताओगे हाँ बोलोगे तो अपन बनाएंगे भी, ठीक है? तो कमेंट में जरूर बता। इसलिए दर्शन वगैरह हो गए, अब निकलते हैं अपने बैराज की ओर। बोले तो महादेव की यहाँ पर एनी टाइम ऐसी भीड़ रहता, आप चेक आउट करो रोड को। मैं रोड से ही लगा हुआ है ना, तो इसलिए चाबी रखे मिलते हैं हाँ मेरे पास। तो अभी हम लोग बैराज की ओर निकलते हैं कंटिन्यू। चलता फिरता मेडिकल जा रहा है उधर। गाइस यहाँ पर भी पद रैली हो रही है लगता है, वन धन योजना, ये अपना छत्तीसगढ़ का योजना है ना, ये चेक करो गाइस।
गाइस ये चेक करो, एक और लोगो वाला पूरा चलता फिरता जा रहा है। ये कौन सा योजना है तो देखते हैं। साइड से ले जाना, साइड से। गाइस एक और लोगो जा रहा है, दिखाऊं? ये ले। गलती कर दी हमने, हम लोग को ना पहले से आ जाना था और परेड जो हुआ वो वहीं पे रहना था यार। एक नंबर नंबर चीज़ आ रहा है यहाँ पर ना, कंपटीशन था जहाँ तक, क्योंकि जो सामने में है ना इसके लोगों का वो कुछ ट्रॉफी लेके आ रहे हैं। मतलब है कि यहाँ पर कंपटीशन था जहाँ तक, पहले से आना था, बट कोई नहीं। गाइस एक और लोगो, ये पूरा ग्रीन ग्रीन वाला है, आराम से ले जा साइड। ये देखो बहुत ही पूरा हरा भरा वाला। तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ना, आना था पहले। गाइस तो अपने स्कूटी को छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि यार ये इलेक्ट्रिक वाला है, तो यहाँ बस इसका चार्जिंग अभी लो हो चुका है और मेरा घर भी निकलना है यहाँ से। 22 किलोमीटर लगभग पड़ जाएगा, तो 22 किलोमीटर तक ही बस है। यहाँ से अभी अपन जो डैम की तरफ चलेंगे बैराज, उधर पैदल ही चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपनी स्कूटी को पार्किंग कर दी है, अब यहाँ से पैदल बैराज की ओर चलते हैं। दबा के करना इसको, तो चलिए अभी बैराज की ओर। बैराज की ओर क्या तेज भूख लग रहा है भाई, मैगी खिलाएगा क्या? मैगी यहाँ बनाते आके। ठीक है फिर, आग बनाए मैगी। ठीक है फिर, चार लोग हैं अपन, हो जाएगा। ठीक है फिर, आके मैगी पार्टी कर रही है। ये टोपी जम रहा है कि नहीं बताओ, कमेंट करके बताओ। ये इस नेताजी का टोपी है, ले भाई तेरे में सूट करेगा। नहीं अच्छा, मेरे में नहीं करता। इसमें लिखा है आई लव माय इंडिया। आई लव माय इंडिया तो कर जाए। गाइस अभी हम लोग बैराज की ओर चलते हैं और यहाँ रुद्रेश्वर महादेव वाला ब्लॉग आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा लिंक और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग बैराज की ओर चलते हैं, क्यों? बिल्कुल। ये चेक करो यहाँ का बड़ा नहर। गाइस ये चेक करो, यहाँ पर शायद जब तक बिजली बनती होगी, उस पर बनता है ना। गाइस अब देखो पीछे मेन जो बैराज है वो दिखा रहा। ये है मेन बैराज, उस पार भी बिजली बनती है और जो मेन डैम है वहाँ पर गंगरेल डैम, वहाँ पर भी बिजली बनती है। सो गाइस ये खुला रहता तो अंदर जाके दिखाता क्या क्या है, बट खुला नहीं है। सिर्फ दिखाता हूँ गहरा कितना है इधर, ये चेक करो अब। ये अभी गेट वगैरह बंद है, तो उधर भी है बैराज पूरा ये बना हुआ है। तो चलिए अभी और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को बैराज। चेक करो तो अभी आप लोगों ने देखना वही बैराज का मेन गेट है और यहाँ से अगर मोबाइल गिरा तो समझो खत्म, बट कोई नहीं अपना सावधानी है फुल। चलिए आगे चलते हैं, गिरा के दो एक पूरा फाटक खोल देंगे हम लोग, फाटक खोल देंगे एक मोबाइल के लिए, तो मोबाइल ख़त्म हो जाएगा ना फिर। गाइस जो अभी आप लोग देख रहे हो ना वही, उसके सहारे से यहाँ पर जो गेट है उसको खोला जाता है। तो रुद्री से कितने लोग देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमको भी अच्छा लगे, और लाइक करके जाना यार। तो अभी और चलते हैं आगे। अंग्रेज जमाने का जो पुल बना है वो, यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह भी शूट होता है और वो हमारा होगा, अभी देख लेना। ये अभी देखते हैं अंग्रेज जमाने का पुल।
पूरी अवंसी। अंदर चलते हैं पूल के अंदर। जब कभी भी आओ तो टॉर्च वगैरह ऑन कर देना, दिन में भी आ रहे हो तो भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो पीछे ये जो दिख रहा है, अगर आप पैदल चलते चलते गए अंदर तो अंदर ही चले जाओगे। तो समझ रहे हो ना, पूरा भूल भुलैया है ये। तो चलो आगे और चलते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि इस पत्थर को जो अंग्रेज थे जो भी ये किए होंगे वो किस में अटैच किए होंगे, चिपकाए होंगे, कमेंट में जरूर बताना। देखते हैं बता सकते हो कि नहीं। बाहर आ गए हैं अभी। गाइस चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं वापस अपने रुद्रेश्वर महादेव के। वो रहा ओपन जिम जिसकी बात हम लोगों ने वो वाले रुद्रेश्वर महादेव वाले ब्लॉग में किया था, यहीं पर है श्री राम वन गमन मार्ग रुद्रेश्वर मंदिर। यानी कि यहाँ पर जो है राम भगवान थे वो यहाँ से गमन किए हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर से रुद्री के। सो गाइस यहाँ पर जो रुद्रेश्वर महादेव उसका मतलब है कि यहाँ पर जो राम भगवान आए थे वो लोग पूजा किए थे शायद, मेरे को लगता है। तो अपन लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, अभी कुछ हो रहा है, चलिए देखते हैं। अपन लोग दर्शन वगैरह कर लिए हैं, यहाँ से निकलते हैं। कहाँ जाएंगे? सीधा रेंट। यस सर। चलिए अभी सीधा रेंट पर निकलते हैं और वहाँ जाके क्या करेंगे? मैगी पार्टी। तो चलिए सीधा वहीं। चलिए अपन रेंट पर पहुँच चुके हैं, चलिए चलते हैं अंदर और बनाते हैं मैगी। So, यहाँ पर सभी मैगी रेडी हो रहा है। बना लिया? बना रहा हूँ। गाइस फाइनली यहाँ पर मैगी बनके रेडी है, बनाने वाला है प्रकाश। तो चलिए अभी मैगी खाते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। गाइस यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय टाटा हिम प्रकाश, मिलते हैं कल। तो चलिए अभी अपने स्कूटी को लेंगे और घर निकलो। तो मैं अपने जहाँ पर स्कूटी रखा हूँ वहाँ आ गया हूँ, तो अभी यहाँ से निकलूँगा अपने घर के लिए। सो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर लगा तो एक लाइक जरूर करके जाना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आता रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।